ये आज श्री वृंदावन दास ठाकुर की आविर्भाव तिथि है और हम लोग जानते हैं कि श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल की रचना की है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन के संबंध में, लीलाओं के संबंध में ये वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल, जिसको चैतन्य भागवत बाद में कहा गया। तो कृष्ण लीला भागवत कहे वेदव्यास, तो भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जिसको वेदव्यास ने वर्णन किया है भागवत में कृष्ण की लीलाओं के बारे में। किंतु चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, किंतु चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, इसलिए चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास कहे गए हैं। ये वेदव्यास के, व्यासदेव के अवतार हैं वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कैले चैतन्य मंगल, जहाँ रसरवण नाशे सर्व अमंगल। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की लीला के संबंध में जो ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम चैतन्य मंगल है, इसको बाद में चैतन्य भागवत कहा गया है। और इसको चैतन्य मंगल क्यों कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सारे अमंगल को नाश कर देती, इसलिए इसको चैतन्य मंगल कहा गया। चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। तो इस चैतन्य मंगल ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमाओं का वर्णन है, जिससे और जिसमें कृष्ण भक्ति के सिद्धांत, सर्वोच्च सिद्धांत का भी वर्णन है। कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च सिद्धांत का वर्णन इस चैतन्य मंगल ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। भागवत जत भक्ति सिद्धांत रसार लिखिया छने यह जानी करिया उद्धार। तो भागवत में जिस प्रकार व्यासदेव ने भक्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है, तो उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत में भक्ति के सिद्धांत के सारों का सार का वर्णन किया है। मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो ये चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना इस प्रकार हुई है कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसे ग्रंथ की रचना कोई मनुष्य के द्वारा संभव नहीं, साधारण मनुष्य ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। तो वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ की रचना कैसे की है, क्योंकि उनके मुख में वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ही इनके कंठ में बैठ करके उन्होंने इस ग्रंथ को लिखवाया। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर के संबंध में। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हैं तारिल संसार। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना करते हुए सारे संसार का उद्धार किया है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सारे संसार में प्रचारित किया है। तो ऐसे जो
वृंदावन दास ठाकुर हैं, तो इनकी माता का नाम था नारायणी देवी। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी माता के संबंध में चैतन्य भागवत में वर्णन किया है, उन्होंने पिता के संबंध में कुछ नहीं कहा है, इसलिए ऐसा बताया गया है कि वृंदावन दास ठाकुर जब गर्भ में थे उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनकी माता नारायणी देवी ये बहुत कष्ट में थी, ये संसार में भरण पोषण के लिए ये दूसरे गृह में काम करती थी नारायणी देवी। तो बताया गया है कि वासुदेव दत्त उनके घर में नारायणी देवी काम करती थी, जो कुछ भी प्राप्त करती थी उससे वो संसार चलाती थी। तो जब तक इस प्रकार ये नारायणी देवी बहुत कष्ट से संसार चलाती थी, ये वस्तुतः श्रीवास पंडित की भातृ कन्या थी। श्रीवास पंडित ये चार भाई थे, श्रीवास पंडित, श्रीपति पंडित, श्रीराम पंडित और श्रीनिधि पंडित, ये चारों एक साथ रहते थे। पहले वो श्रीहट जिला जो बांग्लादेश में अभी है वहीं निवास करते थे और गंगा नदी के तट पर निवास करने के लिए वो श्रीहट से चले आए थे मायापुर। तो वहीं पर जब श्रीवास पंडित मायापुर में निवास करते थे उस समय उनके भ्राता की कन्या ये नारायणी देवी थी और उनकी आयु बहुत कम थी, उस समय 4 साल के। तो उस समय जब नारायण देवी 4 साल की थी तो उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पर वो नित्य कीर्तन करने के लिए आते थे भक्तों के संग, और वहाँ पर रुद्रद्वार कीर्तन होता था। तो श्रीवास पंडित के घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था कि बाहर के लोग जैसे भीतर नहीं आ सकते, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर नृत्य और कीर्तन करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु भावामेश में आकर उन्होंने अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया था अपने भक्तों को, और इस अवसर पर स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए वो वरदान दे रहे थे अपने भक्तों को। इस समय चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नारायणी को, सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरंग चांद आज्ञा कल नारायणी कृष्ण बोली कांद। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो सर्वभूत अंतर्यामी हैं, तो सभी के हृदय को जानते हैं, सभी के हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने आदेश दिया नारायणी को कि नारायण तुम कृष्ण बोलकर क्रंदन करो। तो कृष्ण बोलकर क्रंदन करना ये इतना सरल नहीं है, हम लोग कितने सालों से भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं किंतु हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय बहुत कठिन है। हमारा हृदय अभी तक द्रवीभूत नहीं हुआ है क्योंकि हृदय में अभी भी भोग की कामनाएं बलवती है।
तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया 4 वर्ष की बालिका को कि नारायणी तुम कृष्ण कहकर रोदन करो, क्रंदन करो, तो नारायण ने क्या किया? हा कृष्ण बलिया मात्र पड़ी लो भूमि तक, तो तुरंत नारायण ने हा कृष्ण कहकर वो क्रंदन करती हुई भूमि में अचेतन होकर गिर पड़ी। तुरंत हा कृष्ण कहते ही उनमें कृष्ण प्रेम का उदय हो गया नारायण। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा कि जैसे ही नारायण ने कृष्ण कहा उनके हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया, हृदय द्रवीभूत हो गए। वो हा कृष्ण कहकर वो नीचे रोती हुई गिर पड़ी। अंग वही पड़े धारा पृथ्वी रतले, और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और इतने आंसू बह रहे हैं कि सारे अंग भीगते हुए नीचे भूमि पर, भूमि भीग रहा आंसू से। परिपूर्ण हैल स्थल नयने रजले, तो इस प्रकार वो स्थान नारायण के नेत्रों के आंसू से भर गए थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा वृंदावन दास ठाकुर की माता ने, नारायणी देवी ने प्राप्त की थी जब उनकी अवस्था 4 वर्ष की थी। ये विशेष कृपा नारायणी देवी प्राप्त हुई थी। और केवल इतना ही नहीं, भोजन और अवशेष जत का आछिल नारायणी पुण्यवती तहा से पाइल। चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करते थे शिवास पंडित के घर पर, तो जो भी अवशेष भोजन का अवशिष्ट रह जाता था प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि इसको नारायणी को दो। नारायण के ऊपर इतनी कृपा थी चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे आगे चलकर ये वृंदावन दास ठाकुर की माता बनेगी, जो वृंदावन दास ठाकुर उनके चरित्र की रचना करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे थे वृंदावन दास ठाकुर की माता पर। श्रीवासर भात्र सुता बालिका अज्ञान ताहा के भोजन शेष प्रभु कैल दान। तो इस प्रकार एक अज्ञान बालिका को महाप्रभु ने अपना प्रसाद देकर उनको कृतार्थ कर दिया। तो इस प्रकार नारायण देवी बहुत सौभाग्यवती रही महाप्रभु की कृपा को प्राप्त होकर, और ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो सारे संसार में चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्री चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में वर्णन किया। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे भक्तों को जो माता जन्म देती है, ऐसे भक्तों को जन्म देना, माता का जन्म देना वो सार्थक हो जाता है। कुलंग पवित्र जननी कृतार्थ, उस व्यक्ति के वंश कुल पवित्र हो जाते हैं, और माता ऐसे पुत्र को जन्म देकर कृतार्थ हो जाती है। और वसुधरावा वसतिश्च धन्य, और वो स्थान वो भूमि भी पवित्र हो जाता है, तीर्थ में परिणत हो जाता है। नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषां येषां कुले वैष्णव नाम देव। और इस प्रकार उस वंश में, उस कुल में जो पितृपुरुष हैं, यदि वह अपने पाप कर्मों के कारण नर्क यंत्रणा प्राप्त कर रहे होंगे, तो नर्क से उद्धार होकर स्वर्गलोक में वो नृत्य करते हैं। तो ऐसे भक्तों को जन्म देने के लिए वो माता कृतार्थ होती है, और वो कुल पवित्र हो जाता है।
तो वृंदावन दास ठाकुर जिनकी आज जन्मतिथि है, इस प्रकार एक महान पुरुष को जन्म देकर माता नारायणी देवी कृतार्थ हो गई थी और हम लोग भी कृतार्थ हुए हैं ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर को प्राप्त होकर, जिन्होंने चैतन्य लीला का वर्णन करते हुए हम लोगों को चैतन्य लीला का अमृत प्रदान किया है, जिस अमृत का पान करते हुए हम इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की, जय श्रीमती नारायणी देवी की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।